सरकार ने एडवोकेट जनरल सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुख्यमंत्री साहब के घर के सामने भी कड़क सड़क बंद करवाने वास्ते जो बयान देके आए हैं, मैं उस बयान के कनी हवाले अज इलेक्शन कमीशन को दरखास्त देके मैं उन्होंने कहा भी पंजाब सरकार ने कल इस इलेक्शन के माहौल के अंदर अगर किसी बीजेपी कैंडीडेट के कोई भी अनसुखावी घटना जिम्मेवार पंजाब सरकार नहीं हो जदन साहब सुप्रीम कोर्ट से बयान दे के आए है मनोज जी पिछे जरा मैं नहीं कह रहा मैं ध्यान इस पासे लेके आऊंगा एक स्टेटमेंट जी है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब कह रहे हैं जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि कभी कभी लोगों को असुविधा होती है पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए पंजाब सरकार ने कहा है पंजाब में आतंकवाद फिर से पनप रहा है। मनोज के हटाने यार पीछे पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट से कह के आई है कि पंजाब के अंदर टेररिज्म अपने पैर फैला रहा है। साढ़े तो एडवोकेट जनरल साहब कहते हैं भी मुख्यमंत्री मनोज भाई साइड हो जाओ यार मुख्यमंत्री की जान को खतरा है पीछे होना इसका मतलब है कि जो बीजेपी वाले उम्मीदवार है उन्होंने असि साडा कोई कल अजी ऊपर चक लो भाई यार मैं भी तो अपना तो देखूंगा ना करके मैं देखना ही देखा गया इलेक्शन कमीशन ने साहब चक ले लो गल कह के आया पहली गल तो मैं कही है कि मैं ओ माइक नीचे कर लो यार मैं इस गल पे एडवोकेट जनरल या पंजाब सरकार के नाल सहमत नहीं कि पंजाब के अंदर आतंकवाद पैर फैला रहा है। मैं क्या जी मैं उम्मीद करता हो पाए हो कि आज जो बयान दिते चुके कि इन्होंने सिर्फ अपनी भूमिका बनाने वास्ते एवं जाके उत्थे गल कहती कोई आधार नहीं कि आधार है फिर इलेक्शन की होने सब पंजाब के अंदर जे पंजाब के अंदर आतंकवाद फैल रहा है तो फिर तो निबड़ गया कम पंजाब का हिंदुस्तान के अंदर सत फेज के अंदर इस करके हो रहा है कि सुरक्षा मुहैया करवाई जा सके पर पंजाब का तो टेररिज्म है जो जम्मू कश्मीर के हालात जो हालात इतने बनता कह रहे हैं भगवंत मान जी एक पास करते हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बड़ी मजबूत है बड़ी स्थिति कंट्रोल च है जो आपसे भीड़ पी उदो जाके भगवंत मान जी कह रहे हैं भी इतने आतंकवाद फैल रहे हैं सब कोई आतंकवाद नहीं फैल रहा पंजाब के अंदर सरकार की कमजोरी फैल रही है सरकार की नीयत के शक कहते सरकार जो मैं कहना आम आदमी पार्टी कली नहीं साहब उन्होंने भाईवाल कांग्रेस भी ए शामिल है आज जो कुछ भी किया जा रहा है जिथे साडे कैंडीडेट का विरोध हो रहा है जिथे आ रौला पै रहा है किसानों का तो नाम बदनाम कर रहे हैं दोनों तीनों रलके साहब ए दोनों तो कट्ठे है ये विचाले तंदूर तपया ओ अकाली भी अपनी रोटी सेक जाते हैं कुलीग सी इस करके नाम सारे पंजाब ने वीडियो देखी है भी सुरेंद्र पाल जेडे किसान सीगे गर्मी के अंदर आम गश खा के उठे कोई कुछ नहीं पर्चा करवा रहे हैं जेडे अगर वीडियो सुनो तो बैकग्राउंड के जरा रौला पै रहे हो कहते वीडियो बनाओ किसी ने आ नहीं कहा सुरेंद्र पाल चको कोई पानी पिया हो या कोई माड़ा मोटा हवा दो कोई चलो हवा चलो वीडियो बनाओ क्योंकि है सारी एक सारी सोची समझी साजिश के तहत है सारे रल मिल के बीजेपी तो डरी जाते हैं इस करके भी बीजेपी जो पिंड जाके थोड़े आला तिना चारा का सुपरा साफ है इस करके मैं
इलेक्शन कमीशन को बेनती करके आया एक जी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है एग्जैक्ट जो है सरकार कुछ कह रही है एडवोकेट जनरल साहब कुछ कह रहे हैं मैं सहमत नहीं कोई इंडिपेंडेंट रिपोर्ट बना के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजें एंड आई होप दैट इज स्टेटमेंट इज टोटली बोगस ऑन पार्ट ऑफ एडवोकेट जनरल कि पंजाब के अंदर कोई आतंकवाद है नहीं जे है तो वास्ते फिर इलेक्शन कमीशन पूछना पड़ेगा सर आके तो इलेक्शन टालने वास्ते नहीं कोई कहानियां बनाई जा रही है इलेक्शन अगर पिछड़ कर ली बड़ा गंभीर हो गया मसला कदम मनोज भाई साइड हो जाओ उम्मीदवार यार ये नहीं उसको बोले ये नहीं भाई ये नहीं पीछे पीछे साइड हो यार थोड़ा सा इधर हो जा फेस सारा बस मनोज माइक मनोज भाई करण साइड हो जा भाई बिल्कुल साहब बिल्कुल मैं कोई इनकी तरह किसी को अम्मा या मसी या आंटी या भाई थोड़ा पीछे हो जाना कैमरा वाला नहीं कहता मैं सच के ऊपर पहरा देता हूँ और एक पंजाबी होने के नाते मेरे लिए सबसे पहले देश की सुरक्षा सर्वोपरि है सबसे पहले हमारे फौजों का मनोबल और उनका प्रोत्साहन करना मेरा धर्म बनता है और ये लोग आज जो ये सवाल उठा रहे हैं सनी जी के जो बयान आए हैं साहब ये सनी जी भी बोलते हैं कनाडा में जो रह गए हैं मिस्टर ट्रूडो ये उन्हें तक मैं समझता हूँ कनाडा के अंदर कौन सा थीसिस लिखने गए थे ये कह रहे थे मैं वहां पे रिसर्च करने जाऊँ कांग्रेस मैं समझता हूँ जो रिसर्च वहां से करके आए हैं किस तरह कहते ना देश के ताबूत में कील ठोकने या पंजाबी चन्नी जी कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं है चन्नी जी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के एक मेंबर भी है हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इन कांग्रेस सीडब्ल्यूसी जो पंजाब के दो नुमाइंदे हैं वहां पे श्रीमती अंबिका सोनी जी और श्रीमान चन्नी जी ये दोनों ने मिलके पंजाब को बदनाम करने का पंजाब के अंदर आपसी सौहार्द जो भाईचारा बना हुआ है उसको दफन करने का इन्होंने कांग्रेस के साथ साथ स्कीम बनाई है कि कांग्रेस को दफन करना है ये लोग ऐसे बयान बेतुके बयान दे रहे हैं क्योंकि एक तरफ आप राहुल गांधी जी के बयान देखिए उन्होंने कहा है कि ये जो कुछ उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट है आप राहुल जी का ट्वीट देख लीजिए और चन्नी जी का ट्वीट देख लीजिए पार्टी के प्रति कुंडक निकालने वाला ये जो है ये लोग कांग्रेस की पीढ़ी यही डुबोएंगे मनोज भाई साइड हो जाओ किसी किस किस्म के साजिश की कोई बात नहीं की जो आज चन्नी जी कह रहे हैं मैंने किसी बात को स्टंट नहीं कहा मैंने ये कहा था कि इस किस्म का जो माहौल है जहाँ पे परिवार एक अपने शहीद की बॉडी का इंतजार कर रहा था उसको पहले यहाँ परिवार में आना चाहिए था बीजेपी के नेता आके यहाँ पे अपनी श्रद्धांजलि दे सकते थे बिल्कुल सुनील इस बात से आज भी खड़ा था सुनील को चन्नी नहीं है सुनील को ये वडिंग नहीं है सुनील को ये दूसरे लोग रंग बदलते नहीं है साहब सुनील चाहे जहाँ भी खड़ा है
सुनील के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं पंजाबी हूँ, सारे रंग बदलने वालों में से हम अपनी बात के ऊपर पहरा देते हैं, पर मैं समझता हूँ कि इन लोगों में इतने गट्स नहीं है कि ये सच को सच कह या करण भाई साइड हो जाओ, मनोज भाई साइड हो जाओ थोड़ा सा। बोलना भाई हटाएंगे, बोलेगा तभी। एक गरीब आदमी जो अपने आप को सुदामा कहते हैं वो थीसिस लिखने के लिए और कांग्रेस के ऊपर थीसिस लिखने के लिए कनाडा जाता है, तो वहाँ पे इनके कौन थे गाइड, कौन थे ट्रूडो जी थे क्या, कौन से प्रोफेसर से बैठ के उन्होंने लिखा ट्रूडो को उनको प्राइम मिनिस्टर कनाडा को, क्योंकि देश के बढ़ते हुए प्रभाव से अंकिल भाई थोड़ा साइड हो जाओ यार। भाई भाई जो है ये छेवी आंख उन्होंने चन्नी जी को पढ़ा के थैंक यू।